मेवात इलाके में दहेज के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ताजा मामला आया है नगीना थाने से, जहां पर एक पीड़ित परिवार का कहना ये है कि उनकी सिस्टर की शादी अब से करीब 1.5 से 2 साल पहले हुई थी और उसके बाद से लगातार ससुराल पक्ष के लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। ससुराल पक्ष के लोग 2.5 लाख रुपए नगद तो वहीं एक अल्टो कार की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना ये भी है कि इस लड़की को मारा जाता है, पीटा जाता है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि मारने पीटने के बाद इस लड़की का वीडियो बनाया जाता है, ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है और इसके बाद मायके पक्ष के लोगों के सामने वो सारी चीज़ें पेश की जाती है और बताया जाता है कि आपकी लड़की परेशान है, आप 2.5 लाख रुपए दे दो या फिर एल्टो कार दे दो। इस तरीके के आरोप पीड़ित परिवार ससुराल पक्ष के ऊपर लगा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना यह है कि लड़की के पास एक बच्चा भी हुआ जो कि मायके में ही हुआ। अब हाल ही में लड़की को मार पीट करके घर से भगा दिया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। खैर, पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहता है पीड़ित परिवार, आइए आपको सुनवाते हैं। ये सर 2.5 लाख मांगे जी, एल्टो गाड़ी, उसके लिए मार पिटाई करते हैं जी। कौन से गांव में शादी हुई? सुखपुरी जी। तो बच्चे कितने लड़की के? एक लड़की है जी। कब हुई थी शादी? ये 1.5 से 2 साल पहले हुई जी, लॉकडाउन में जी। तो फिर शादी में अपने जो दान दहेज आपने दिया था अपनी हैसियत के मुताबिक? हाँ जी। उसके बावजूद डिमांड उन लोगों की बढ़ती रही? बस पैसे की भूख है जी उसके, 2.5 लाख रुपए दे जब रखेंगे। तो फिर अब कब लड़की को घर से निकाला था और क्या जो किस बात के ऊपर कहा था भाई ये चीज़ हमें चाहिए? ये अपने बाप पे से 2.5 लाख रुपए लिए जब रखेंगे, रात को उतार दे दिए। डिमांड लड़के की अकेले की थी या और परिवार? ये सारा गुण बाकी जी। क्या क्या नाम है उनके? एक रिहाना है, एक का नाम मेरे ध्यान आ रहा है सर, और जुम्मी है, दीनू है, ये सारा एक हो जाते हैं जब मारते हैं। सबसे परेशान ये सर वीडियो बना के भेजते हैं, हम हमारे लिए रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, हम लोग रोना की छोरी ही नहीं हुई है जी। हाँ जी हाँ जी। और फोन पे बाप लोग गाली नहीं देता है, गाड़ी को नोच मोल देता है। कब से ये सब चला चल रहा है? ये सर 8-7 महीने हो गए जी। पुलिस प्रशासन से हम तो यह मांग करें जी अपन कार्रवाई करें। असुरु जी, क्या मामला हुआ था लड़की के साथ मारपीट का? मामला मुकदमा दर्ज किया पुलिस ने। या मैं ये मांग करा जी पैसे देली, उसके बारे में लड़ाई वड़ाई करा, छोरी कड़ेस राखा ले जावा ना भाई, लड़की भी नहीं हुई, आप भाई 1 रुपये दे दो जब राखेंगे ना। 1.5 से 2 साल पहले। लड़का क्या काम करता है? गाड़ी चलाता। डिमांड कब से बढ़ी हुई? 8-7 महीने पहले झगड़ा हुआ, छोरी वोरी मारी, उन्हें घर से भगा दी, नशो वशो करे, बाकायद रिकॉर्डिंग भी है बाकी। लड़की को बिल्कुल घर से निकाल दिया है जी। हाँ, घर से निकाल दी। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से, मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी वे सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान, मलखान दवाखाना के पास।